तो जय हिंद दोस्तों, एसएसजीडी का एग्जाम का चौथा दिन है और बता दूं बहुत ज्यादा बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। टाइम में सबको प्रॉब्लम हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर आता है बट एक घंटे के अंदर दोस्तों रीजनिंग मैथ उसके बाद में बता दूं जीके ये सब खत्म करने का टाइम ही नहीं बच रहा है। ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जा रहा है जो पूरा ही छूट जा रहा है, या तो मैथ छूट जा रहा है या तो हिंदी में क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, टाइम ही नहीं हो रहा है। आंसर आता है लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। और ये जिन्होंने जो एग्जाम दे के आए हैं उन बच्चों से आप पूछोगे तो डेफिनेटली आपको बता देंगे कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। रिव्यू आप भले ही देख रहे हो, उस रिव्यू में बहुत ज्यादा बच्चों को देख रहे हो जो बच्चे बोलते हैं कि 80 प्लस हमने क्वेश्चन अटेंड किया है। ये वही बच्चे हैं जिनका मेरिट में नाम नहीं आता है। और उसमें से कुछ बच्चे होंगे जो बोलते हैं हमने 55 अटेंड किया है, कोई बोलता होगा 60 अटेंड किया है, कोई बोलता होगा 45 अटेंड किया है, कि वो बच्चे हैं जिनका मेरिट में नाम आता है, जो ढावा नहीं मारते हैं, जो लोग ऑनेस्टली एग्जाम में अपना पेपर लिख के आते हैं, मतलब सही सही क्वेश्चन जो आता है वो करके आते हैं, ढावा मारने वालों का नाम नहीं आता है। तो अब देख लीजिएगा जो बोलता है 80 मैंने सारा क्वेश्चन अटेंड कर दिया, 80 क्वेश्चन अटेंड कर दिया, देखिएगा उनमें से 90% बच्चों का नाम ही नहीं आता है मेरिट में, क्योंकि आप सबको पता है मेरिट में उन्हीं लोगों का नाम आता है जो लोग ऑनेस्टली मेहनत करके जाते हैं। तो जो रिव्यू देख के आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है कि हमने 80 प्लस क्वेश्चन अटेंड कर दिया, उसमें से सच वही बच्चा बोल रहा है जो 65 क्वेश्चन अटेंड करके आया या 60 क्वेश्चन अटेंड किया। मैक्सिमम ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा होगा तो 60 से 65 क्वेश्चन अटेंड किया होगा, उससे ज्यादा पढ़ने के लिए होगा तो 60-70 अटेंड किया होगा, पूरा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकता है। रोजगार विद अंकित सर हमको पढ़ाते हैं, आप सबको पता है एसएसजीडी के अगर तैयारी कर रहे होगे तो अंकित सर का तो आप जानते होंगे। अंकित सर ने खुद ही अपने एक वीडियो में कहा कि अगर मैं भी एग्जाम दे रहा होता तो 65 या 70 ही क्वेश्चन अटेंड कर पाता, पूरा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाता। जो हमें पढ़ाते हैं गुरु पूरा 70 क्वेश्चन मतलब 80 क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते, तो हम लोग कैसे पूरा 80 के 80 जो बच्चे बोल ढाक से ऐसा 80 क्वेश्चन नहीं। तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं, कंपटीशन जैसा पहले था आज भी वैसे ही है। पहले भी लोग बोलते थे कि हम 100 से 100 क्वेश्चन अटेंड करके आए लेकिन मेरिट में उनका नाम नहीं आता था। तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। टाइम मैनेज आपको कैसे करना है मैं बता दूं, देखिए पहले ही हम लोग डर जा रहे हैं। डरने से क्या, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो क्वेश्चन सा करना हाथ थरथराता रहता है कि जल्दी 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 दिखा रहे। देखिए जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, जो आंसर आपको आते रहता है उस क्वेश्चन का भी आप आंसर सही से नहीं कर पाते हो और फिर दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है आपको। तो बता दो जल्दी जल्दी आपको नहीं करना है, आप एसएससी के एग्जाम में आपको पूरा माइंड साफ करके जाना है एग्जाम देने के लिए। जल्दी जल्दी के चक्कर में आपका मन में डर हो जाएगा और ये डर आपका कम नंबर लेके आएंगे। और जो बच्चों को बता दूं 45 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अटेंड करके आए, डरने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। देखिए बिहार हो गया, आपके हरियाणा हो गए, दिल्ली हो गया, इन सब स्टेट कट ऑफ हाई जाते हैं, लेकिन बात बाकी जितने भी नॉन हिंदी वाले स्टेट हैं उनका कट ऑफ डेफिनेटली कम जाता है। तो आप लोग अगर ऑनेस्टली अपने पूरा सही से आप 40 या 50 भी क्वेश्चन करके आए हुए हो तो आपका पूरा दोस्तों 100 से 110 नंबर तक, 90 नंबर 80 नंबर तक अगर आपका आ जाता है, नॉर्मलाइजेशन में फिर नंबर ही बढ़ता है, तो उतना डरने की जरूरत नहीं। नॉर्मलाइजेशन में जब आपका नंबर बढ़ेगा तो मेकअप हो जाएगा, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं अगर आपने सही से किया है। ढावा मारने वालों के ऊपर ध्यान मत दो, जो लोग 80 क्वेश्चन अटेंड करके आए हैं। और देखना ऐसे बहुत सारे बहुत कम बच्चे होंगे जो लोग ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ कि 40-50 किया होगा उसके बाद ढावा मार देते हैं वो लोग, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनको उतना फोकस करने की जरूरत नहीं। आप अपने प्रिपरेशन में फोकस करो और अभी डरने की कोई जरूरत नहीं। एक घंटा में सबसे मेन टारगेट होता है क्वेश्चन आंसर नहीं, टाइम मैनेज करना होता है। टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा, बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ ना बहुत ज्यादा बच्चों का। ऐसा नहीं कि मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे जो सबसे अच्छा स्कोर रखते हैं वो लोग भी तक टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। टाइम मैनेज का मैंने आपको पहले असूल बताया था, ऐसे क्वेश्चन को आप पकड़ने की कोशिश करो जिसका आंसर आपको एक आंख में आप निकाल पा रहे हो, दूसरी आंख में अगर आपको नहीं निकल रहा आंसर, एक से दो बार ट्राई करो नहीं निकल रहा हटाओ, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, दूसरे क्वेश्चन को बनाओ, एक आंख में आंसर निकल रहा सही है बनाओ, फिर तीसरे क्वेश्चन पे जाओ, ऐसे फटाफट करते जाओ, तब जाके आप सारे क्वेश्चन को कम से कम अटेंड भी कर पाओगे। बोल रहा हूँ पूरा क्वेश्चन को विजिट भी कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे, टाइम इतना कम पड़ जा रहा है मैं बताऊं। और जो बच्चों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जो बच्चे स्टार्टिंग में मैथ पकड़ रहे हैं, अगर आप मैथ को पकड़ रहे हो स्टार्टिंग में तो आपको दिक्कत होना ही है, क्योंकि मैथ में क्या है 12 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं बट कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव वाले से टाइम कटने लगा। तो मैं आपको पहले ही बताऊं कि अगर एक घंटा में आपको एग्जाम कंप्लीट करना है सबसे पहले अपने हिंदी को पकड़ो, इजी सब्जेक्ट है, 5 से लेकर 6 मिनट तक आप हिंदी कंप्लीट कर दोगे, मेरा पूरा पक्का यकीन है क्योंकि हिंदी इजी आ रहे हैं। उसके बाद आप हिंदी के बाद फटाकिन आप किसको पकड़ो तो आप एक बार जीके को देख लो फटाकिन, एक बार देख लो खाली हुआ, उसमें से आपको जो जो आंसर आता है उसको सट सट टिक करो, जो नहीं आता छोड़ दो उसको, एक नजर में आप पढ़ने से ही आपको आंसर याद आ रहा है तो आप पढ़ो आंसर लगाओ आगे बढ़ो, हो गया। उसके बाद जाके रीजनिंग में फोकस करो, रीजनिंग को पकड़ो, जितना आपको जीके आ गया 10 आया 5 आया 20 आया कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो। उसके बाद आप जाके किसी में फोकस करो, उसके बाद आप जाके रीजनिंग फोकस करो, रीजनिंग में ज्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम लेगा, उसके बाद आप मैथ पे जाओ, मैथ में अगर आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का टाइम मिल जाता है तो आराम से आप मैथ में भी क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे पूरा क्वेश्चन, नहीं तो मैम मेरे ख्याल से आप आराम से 65 या 70 क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे।
80 तो पूरा कोई भी दोस्तों बच्चों करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम का जो अभी लेवल है इजी है, डेफिनेटली पहले ईयर से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको तो जीके के लिए भी बताया हुआ है कि आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कर ये पढ़ लोगे तो आप जीके में अच्छा नंबर ला सकते हो। तो अभी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिनका एग्जाम खत्म हो चुका है कम क्वेश्चन अटेंड करके आए, डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अपने स्टेट के हिसाब से कट ऑफ उठेगा और अब की बार कट ऑफ कैसा उठेगा उसका आकलन किसी को भी नहीं है, क्योंकि अब की बार एग्जाम का रिव्यू बहुत पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन उन नेगेटिव रिव्यू को भी वो देखो, मैंने कुछ स्टार्टिंग में जो बच्चे एग्जाम देके आए अब देखिएगा उन बच्चों ने कितना कहा है, 45, 50, 55, 60। अभी जो बच्चे एग्जाम देके आ रहे हैं वो बोल रहे हैं 80 से 90। हम एक बच्चे तो कल बोल रहे 90 क्वेश्चन अटेंड कर दिया, 90 तो क्वेश्चन ही नहीं था यार, 90 कहां से अटेंड कर दिया। मैं भी रिव्यूअर चेक करते रहता हूँ ना, तो मैं बोला 90 क्वेश्चन था ही नहीं, 90 कहां से अटेंड कर दिया। वो रिव्यूअर बोलता है क्या भाई गांजे पिया है क्या, तो होते रहता है। तो उन पे फोकस मत करो, फोकस अपने पे करो। अभी जिन बच्चों का एग्जाम है मैं बताता हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो बोल रहे हैं कि 80 से 80 नंबर मार के आए ढाबा मारने वाला पार्टी है, तो ढाबा मारने वाला पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना है, फोकस अपने एग्जाम पे करना है, डर को हटा देना है, डरने की कोई जरूरत नहीं। स्टेट वाइज कटअप उठता है, आपका नाम जरूर होगा मेरिट में अगर आपने ऑनेस्टली सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, क्वेश्चन आंसर सही किया होगा। ये फोकस अपने SSGD एग्जाम को, तो जितना दिन एग्जाम बचा मन लगा के पढ़ो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, बार बार उसको रिविजन करो और सॉल्व पेपर मारो और डेफिनेटली आपके अच्छे स्कोर होंगे दोस्तों। ये आपका सौरभ भाई इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल बोल रहा है आप सबके लिए। और मैं बताऊं डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डर ही हम लोग का सबसे बड़ा कमजोरी है। जब हम लोग डर जाते हैं तो हम लोग पे हावी होने लगता है, जब हम लोग डर के जाएंगे एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना पेपर को देंगे तो हम लोग क्या होगा, हर थथराएगा आंसर देने के टाइम पे, मतलब ऐसा आता भी होगा तो बोले अरे गलत हो गया, तो गलत हो गया, तो गलत हो गया, तो उल्टा जो आपको सही आता हो वो भी आप गलत करके आओगे। तो ये डर को आप हटाओ, रिलैक्स होकर एग्जाम हॉल में जाओ, आराम से जितना भी क्वेश्चन अटेंड किया ना एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलो तो आपको मन में शांति हो कि साला मेरे को जो आया मैंने अटेंड किया, अब भले मेरिट में नाम आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को जो आया था मैंने ऑनेस्टली क्वेश्चन अटेंड किया और मैं दे के आया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ढाबा भी किन लोगों को मानना चाहिए किन लोगों को नहीं मानना चाहिए उसके ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूं, और लाऊं कि नहीं लाऊं बस ये मैं पूछना चाहता हूं। अगर आप लोग को ढाबा कैसे मारते हैं, कौन लोग ढाबा मार सकते हैं, कौन लोग ढाबा नहीं मार सकते हैं, उनके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। और जब भी एग्जाम हॉल से निकलो तो प्राउडली अपने आप पर ढाक होना चाहिए कि हमने जो आया था वही अटेंड करके आए, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं किया है, अच्छा से नंबर लेके आएंगे और अब की बार SSG में बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। तो इस टाइप अगर प्राउड होकर आप एग्जाम हॉल से निकल रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और अगर डर डर के निकल रहे हो, 80 क्वेश्चन अटेंड कर दिया उसमें से आपको लगता है कि 10 ही क्वेश्चन सही होगा और सबने ढावा मार दिया, मैक्सिमम उस टाइम पे आपको डिमोटिवेशन फील होना ही है, उसको आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने एग्जाम हॉल में, और मैं बता दूं किन लोगों को ढावा मारना चाहिए किन लोगों को नहीं मारना चाहिए, अगर इस पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और अभी फिलहाल जो भी SSGD एग्जाम देखे हैं डरने की कोई भी जरूरत नहीं दोस्तों, रिव्यू देख के डरो मत, कुछ नहीं है। जब हम लोग फेस करेंगे तो आराम से फेस करें, इतना दिन की तैयारी को याद करो, इतना दिन की मेहनत को याद करो, जो आपने रात रात भर जाग जाग के पढ़ाई की है और मन लगा के पढ़ाई की, किताब को चाट गए हैं पूरा पढ़ते पढ़ते, उस मेहनत को याद करो, डेफिनेटली SSGD में अच्छा स्कोर आएगा। आपके सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल का कहना है, अपने पर भरोसा रखो। जय हिंद, जय भारत, और भारत माता की जय, बंदे मातरम, आग लगा के आना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अपने भाई के नाम पे जय हिंद कमेंट में लिखना मत भूलना। तो जय हिंद, जय भारत, और भारत माता की जय, बंदे मातरम।